हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज डिसीजन थियोरी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले ईएमवी के कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं डिसीजन थियोरी का लेक्चर नंबर 3, देखते हैं आज क्या पढ़ने मिल रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने, अ न्यूज़पेपर बॉय has the following probability distribution of selling a fashion magazine। मतलब आपको एक न्यूज़पेपर बॉय के बारे में दिया है कि वो उसको मैगजीन बेचना है, तो कितना मैगजीन बेच सकता है और उसका पॉसिबिलिटीज दिया है। 10 मैगजीन बेचने का पॉसिबिलिटी 0.1, 11 मैगजीन बेचने का पॉसिबिलिटी 0.15, 12 बेचने का है, 13 बेचना है, 14 बेचना, इतने मैगजीन बेचने की पॉसिबिलिटीज आपको दी गई है। हमेशा देखो, पॉसिबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1। अब इसका टोटल लेना, इसका टोटल हमेशा 1, मतलब 100% कहते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटीज 100%। अब पर्सन के यहाँ पे इधर पॉइंट में दिया हुआ, अब इसका टोटल करके देखना, आपको 100 यानी कि 1 आएगा। क्लियर है? अब आगे और क्या दिया है, एक मैगजीन का कॉस्ट है 30 रुपए और उसको बेचते हैं हम 50 रुपए में, हमको क्या फाइंड करना है। और एक एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, द न्यूज पेपर बॉय कैन नॉट रिटर्न द अनसोल्ड कॉपी। मतलब अगर उसने 10 बेचने के लिए लिया है तो 10 बेचना ही पड़ेगा, अगर नहीं बिका तो भी वो वापस मतलब जिसके पास है परचेज किया उसको रिटर्न नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट, अगर 10 बेचने का पॉसिबिलिटी है तो 10 बेचना ही पड़ेगा, 11 बेचने का पॉसिबिलिटी है 11 बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा उसका जो कॉस्ट है पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये पॉइंट कंसीडर करेंगे। आगे दिया है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ कॉपी, अपने को फाइंड करना है कितने कॉपीज न्यूज़पेपर के बेचने हैं ताकि हम ईएमवी क्राइटेरियन फुलफिल कर सके। ईएमवी पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था क्या है ईएमवी का फुल फॉर्म, इकोनॉमी मॉनिटरी वैल्यू, बराबर है क्या? नहीं क्लियर? तो यहाँ पे आपको पैसे का वैल्यू, इन शॉर्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, इन शॉर्ट प्रॉफिट फाइंड करना है। आपको टेबल याद होगा तो पे ऑफ टेबल बनता है, पे ऑफ टेबल में आपको क्या करना रहता था, तो स्टेट ऑफ नेचर दिया रहता था, कोर्स ऑफ एक्शन दिया रहता था, ईएमवी में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता था, बराबर। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, आपको यहाँ पे यही दो टेबल दिया है और इसे पे ऑफ टेबल फाइंड करना और ईएमवी फाइंड करना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ गया तो समझ में आएगा। क्या है यहाँ पे, डिमांड और प्रोडक्शन, कितना डिमांड है कितना प्रोडक्शन है, मतलब कितना बेचना है कितना खरीदा है, सिंपल लॉजिक। यहाँ पे मैगजीन के हिसाब से 10 कॉपी बेचना है तो 10 कॉपी खरीदना पड़ेगा, तो 10 कॉपी बेचना है तो 10 कॉपी खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड प्रोडक्शन। क्लियर? इस बेसिस के ऊपर आपको एक टेबल बनाना है और टेबल बना के ईएमवी को फुलफिल करना है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान, टेबल बनाने के लिए दो कॉलम ले लेता हूं, एक डिमांड का कॉलम और एक प्रोडक्शन का कॉलम। ये बाजू डिमांड ले लेता हूं और ये बाजू प्रोडक्शन ले लेता हूं। डिमांड मेरा स्टेट ऑफ नेचर बन जाएगा, जैसे यहां पे डिमांड कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब आई कैन से S1 इज इक्वल्स टू 10, स्टेट ऑफ नेचर 1। क्लियर है? फिर स्टेट ऑफ नेचर 2, 11, ऐसे आपको जितना डिमांड दिया है उतना आपको टेबल बनाना है। स्टेट ऑफ नेचर 3 विल बी 12, फिर स्टेट ऑफ नेचर 4 कितना, 13, 14 तक दिया ना आपको, यहां पे 5 स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगा। स्टेट ऑफ नेचर 5 इसका वैल्यू है 14, तो ये आपका डिमांड वैल्यू आ गया। क्लियर? अब आ जाते हैं प्रोडक्शन यानी कि एक्शन में, कितना एक्शन आएगा, जितना नेचर है उतना एक्शन आएगा, मतलब एक्शन 1 10 के लिए, एक्शन 2 11 के लिए, एक्शन 3 12 के लिए, एक्शन 4 13 के लिए एंड एक्शन 5 किसके लिए, 14 के लिए। क्या बात, एक्शन 5 14। उसके अलावा हम लोग और एक कॉलम यहाँ पे बनाएंगे, वो है प्रोबेबिलिटी का, जो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको ये टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यूज मिलेगा।
क्या है? डिमांड लेस देन और इक्वल्स टू प्रोडक्शन। अपने को देखना है कि हमारा डिमांड और प्रोडक्शन में रिलेशन क्या है। अगर डिमांड का वैल्यू कम है या इक्वल है प्रोडक्शन को, अगर डिमांड का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू प्रोडक्शन है, तो ये डिमांड है 10, ये उसका प्रोडक्शन है। ये डिमांड है 11, ये उसका प्रोडक्शन है। ऐसे एक एक को अपने को कंप्लीट करना है। क्लियर? अब पहला 10 से स्टार्ट करता हूं। डिमांड कितना है? 10। प्रोडक्शन कितना है? 10, मतलब इक्वल है। डिमांड इज लेस देन और इक्वल टू प्रोडक्शन अगर है तो प्रॉफिट यानी कि पे ऑफ टेबल कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रोडक्शन। कितना प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना, कितना बेचा उसका सेलिंग प्राइस कितना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा ना। फॉर्मूला तो प्रॉफिट का मालूम है ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सेलिंग सेलिंग प्राइस निकालना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 50 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 50, डिमांड कितना है? 10। तो 50 इंटू 10 करो कितना आएगा? 500। तो यहां पे आ जाएगा 500। वर्किंग बाजू में बना देता हूं, 5 माइनस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 30। और इसका प्रोडक्शन कितना है? 10, मतलब 300। अरे बराबर, तो 500 माइनस 300 करोगे तो आपको आएगा 200। अंडरस्टूड? पक्का समझा? आ जाते हैं यहां, डिमांड कितना है? 11। प्रोडक्शन कितना है? 10। डिमांड है 11, प्रोडक्शन है 10, मतलब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है। तब सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि डिमांड 11 का है और प्रोडक्शन सिर्फ 10 का है, तो डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है। तो फॉर्मूला बदल गया प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही है, प्रॉफिट तो वैसे ही मिलेगा, बट इंटू क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना? 50। कॉस्ट प्राइस कितना? 30। तो 50 माने 30, 20 आएगा। इनटू डिमांड कितना, सॉरी प्रोडक्शन कितना है? 10। तो इधर कितना आ जाएगा? 200। अरे समझा? एंड सेम ऑन कंटिन्यू होते जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो फॉर्मूला वही। तो सेलिंग प्राइस 50, कॉस्ट प्राइस 30, मतलब वापस इधर 200, फिर यहां 200, वापस यहाँ पे 200। आप अप्लाई करके चेक करो, सेम रहेगा सब में, क्योंकि डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम, तो आंसर सेम आने का। क्लियर हो गया? आते हैं सेकेंड की तरफ, यहां पे आ गए। अब डिमांड कितना है? 10। प्रोडक्शन कितना है? 11। डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझा? तो इसके लिए फॉर्मूले के हिसाब से चलो अप्लाई करते। तो सेलिंग प्राइस कितना? 50। डिमांड कितना? 10 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना? 30। और प्रोडक्शन कितना? 11। तो ये आएगा 500 माइनस 330, 330 ही आएगा ना यहाँ पे। तो 500 माइनस 330 करो 180, आई होप 180, 170। अच्छा 170 आएगा, बराबर 330 है ना, तो 170 आएगा। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? आ जाते हैं यहाँ पे, डिमांड 11, प्रोडक्शन भी 11, इक्वल है, मतलब फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बराबर है वापस। तो इधर 50 इंटू 11 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिमांड 11 है, माइनस 30 इंटू 11 ही होगा ये, तो 550 माइनस 330, तो इधर कितना आ रहा है? 220। बात समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, यहां पे आते। डिमांड कितना है? 12। और प्रोडक्शन कितना है? 11। डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, बराबर है। तो वापस कौन सा फॉर्मूला? ये तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 20, 20 इंटू कितना करोगे? 11। तो 20 इंटू 11 करोगे 220। एंड अब ये रिपीट होते जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझा? ये चलो तीसरे के पास जाते। यहाँ पे डिमांड कितना है? 10। प्रोडक्शन कितना है? 12, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे आ जाते फिर से 50 इंटू 10 माइनस 30 इंटू अब कितना? 12। अभी यहां पे डिमांड, सॉरी प्रोडक्शन 12 हो गया, तो ये 500 माइनस 360 करना है, तो 500 में से 360 जाएगा, 140 आ जाएगा, बराबर है। फिर इधर आते, डिमांड कितना? 11।
प्रोडक्शन कितना 12, मतलब डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा है, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 50 इंटू डिमांड कितना 11 और 30 इंटू प्रोडक्शन कितना 12, तो 550 में 360 माइनस होगा, 360 आएगा ना यहाँ पे भी, तो 550 में 360 माइनस करो 190। क्या बात है, यहाँ पे डिमांड और प्रोडक्शन दोनों सेम है, मतलब फिर यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो इधर आ जाएगा 50 इंटू 12 माइनस 30 इंटू 12 बराबर है, तो 50 इंटू 12 करो कितना आ रहा है 600, 600 में 360 माइनस करना है तो 600 माइनस 360 इज इक्वल टू 240। ये समझा क्या आपको? पक्का? अब आ जाते हैं यहाँ पे, डिमांड कितना है 13, प्रोडक्शन कितना है 12, मतलब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, सेम चीज रिपीट हो जाएगा, करके देखना 240 240 करके देखो, 50 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 20, 20 इंटू 12 करो कितना आएगा 240। अरे बात समझा? तो ये रिपीट कैसे हो रहा है समझ में आया? जब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है तो जो लास्ट आंसर आया उसी को आपने रिपीट कर दिया, क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट, डिमांड 10 प्रोडक्शन 13, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला? डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 50 डिमांड 10 माइनस 30 इंटू 13 करोगे, मतलब 500 माइनस 390 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 बराबर है। आप देख सकते हो सीक्वेंस, 200 उसमें 30 माइनस हुआ, फिर 30 माइनस हुआ, फिर 30, तो इसके बाद भी 30 ही माइनस होने वाला रहेगा, यहाँ पे 200 फिर कितना प्लस हुआ 20 फिर माइनस हुआ एंड सो ऑन, अभी हो रहा है, देखते हैं प्रोसेस क्या जा रहा है। यहाँ पे 110 अब यहाँ पे आ रहे तो कितना, ये डिमांड 11, ये कितना है 13, तो डिमांड कम प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब फिर से यही फॉर्मूला आएगा, तो 50 इंटू कितना डिमांड है 11 माइनस 30 इंटू 13 है, तो ये आएगा 550 माइनस 390 160, क्लियर हो रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है ना। अरे बात समझा? चलो ठीक है, यहां पे आते हैं, अब यहां पे कितना है, डिमांड 12 है प्रोडक्शन 13 है, मतलब डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 50 इंटू, अब डिमांड 12 है इन 30 इंटू 13 करना है, मतलब 600 माइनस 390 बराबर, यहां पे आ रहा है आपको 210, देखो 30 कम हो गया। अरे बात समझा? पक्का? चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं, डिमांड और ये दोनों सेम है, मतलब फिर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये अप्लाई करने के लिए 50 इंटू 13 माइनस 30 इंटू 13, तो 50 इंटू 13 करेंगे कितना आ रहा है 650, कितना 650 ना, 650 माइनस 390 कर दो, 650 माइनस 390 260 बराबर है, अब ये रिपीट हो जाएगा 260, क्योंकि इधर डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो रिपीट ही होने वाला है। कैसे देखो, 50 माइनस 30 करोगे तो 20, 20 इंटू प्रोडक्शन कितना है 13, तो 20 इंटू 13 260 ही आने वाला है। बात समझा? पक्का? चलो ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसमें 30 कम होगा तो ये कितना आएगा 90, तो यहाँ पे 80 आएगा बराबर है, तो 30 कम करें तो 10 और ये 14 है बराबर है, तो 10 और ये 14 है, तो इसका मतलब डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 50 इंटू डिमांड कितना 10 माइनस 30 इंटू 14 करना है, 14 है ना यहाँ पे, तो देखो 500 माइनस, यहाँ पे आप करोगे तो शायद 420 आ जाएगा, माइनस करो तो 80 आएगा बराबर है, यहाँ पे 30 कम होने वाला है 90 160, तो यहाँ पे 30 कम होगा तो ये हो जाएगा 130, 110 में 30 कम करेंगे कितना आएगा 110 में सॉरी 210 में 30 कम करेंगे तो आपको आ जाएगा 180 बराबर है, करके चेक करो आएगा ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 230 और ये रिपीट हो जाएगा 230। पक्का ना? नहीं, रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये 14 14 सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो वैल्यू फाइंड कर लेता हूं,
डिमांड और ये इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस 50 × 14 −30 × 14 बराबर है, तो इधर आ जाएगा आपको ये 700 माइनस यहाँ पे आपको आ जाएगा 420, मतलब 700 में से 200 तो यहाँ पे 280 आ जाएगा। क्लियर है? आप देख सकते हो जैसे 200 था इसमें पहले 20 ऐड हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था डिमांड और ये इक्वल था, तो 20 ऐड हुआ और वही रिकरिंग हुआ सेम, यहाँ पे दोनों सेम था तो 20 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ और 20 ऐड, डायगोनल देख रहे हो 200, 220, 240, 260, 280 ऊपर सेम है और इधर कम होते गए, मतलब डायगोनल के वैल्यूज आप चेक करो, डायगोनल में 20 20 बढ़ गया बराबर है, डायगोनल के ऊपर तो नंबर्स रिपीट ही होने वाले और इधर कम होते गए। अब ये सीक्वेंस है बट आप आपके हिसाब से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके टेबल बना सकते हो। ये क्लियर हो गया? अब ये टेबल बन गया, उसके बाद क्या करना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दिया है इसका है 0.1, इसका है 0.5, फिर 0.20, 0.25, 0.3, ये समझा? अब क्या करना है प्रोबेबिलिटी को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है और बेस्ट एक्शन सिलेक्ट करना, तो यहां पे आ जाता पहले एक्शन वन, तो ये आ जाएगा 200 × 0.1 प्लस 200 × 0.15 प्लस 200 × 0.2 प्लस 200 × 0.25 प्लस 200 × 0.3। आई होप इतना समझा मैंने क्या किया है। तो यहां पे आपको आ जाएगा 20, यहां पे 30, यहां पे 40, यहां पे आपको आ जाएगा देखो करके इधर 60 आएगा लास्ट में, इधर 60 है और यहां पे आपको आ जाएगा 25 है, तो 25 और 20 मतलब 50 बराबर है। अरे समझा, 50 आएगा ना, इसका टोटल ले लेते, इसका टोटल आपको आ जाएगा 50 50, 100 और 200 आ जाएगा। पहला एक्शन डन, ऐसे आपको एक्शन टू, एक्शन थ्री, एक्शन फोर करना है बराबर है। अब एक्शन टू पे आते, क्या है 170 × 0.1 यानी कि 10 ना, 0.1 मतलब 10 होता है, प्लस 220 × 0.15 प्लस 220 × 0.2 प्लस 220 × 0.25 प्लस 220 × 0.3। समझा ना क्या कर रहा हूं? चलो ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पे 17 प्लस 33 प्लस 44 प्लस यहां पे कर लो कितना आ रहा है 55 प्लस 66 इज इक्वल टू कितना 215। क्लियर है? चलो ठीक है, एक्शन थ्री ले लेते। एक्शन थ्री सेम 140 × 0.1 प्लस 200 सॉरी 190 × 0.15 प्लस 240 × 0.20 प्लस 240 × 0.25 प्लस 240 × 0.3। ये समझा ना? चलो बताओ इधर कितना 14 प्लस यहाँ पे 28.5, इधर 48 प्लस यहाँ पे आपको आ जाएगा 50 और 20 52 शायद, देखो यहाँ पे 240 × 0.25 करो कितना आ रहा है 48 पक्का, ये नहीं ये इसका कितना है, इसका 48 बराबर है ना, मेरे हिसाब से 48 बराबर है, ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 240 × 0.25 करो कितना आ रहा है, और ये लास्ट वाला आपको आ जाएगा 12 और 1 6 7 70, यहाँ पे 60 आ रहा है ओके 60 और ये 72 आएगा, देख लो करके 72 रहेगा। अब सबको प्लस करो फटाफट कितना आ रहा है देखो 14 प्लस 28.5 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 72 इज इक्वल टू, प्लस करो जब तक मैं एक्शन 4 लिख लेता हूँ। एक्शन 4 है 222.5 ठीक है, एक्शन 4 ले लेता हूँ दैट इज 110 × 0.1 प्लस 160 × 0.15 प्लस 210 × 0.2
प्लस 260 इंटू 0.2 पाई प्लस 260 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 11 प्लस 24 प्लस यहाँ पे आपको आ जाएगा 400 सॉरी 42 प्लस ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है इधर आ जाएगा 18 एक 6 और एक 7 78 और 0 260 इंटू 65 टोटल इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 प्लस कितना 200 पक्का 4 हो गया। पांचवा एक्शन ये साइड पे लिख रहा हूं ठीक है। फिफ्थ एक्शन यहां पे लिख रहा हूं एक्शन 5 क्या है एक्शन 5 बोलो 80 इंटू 0.1 प्लस 130 इंटू 0.15 प्लस 180 इंटू 0.2 प्लस 230 इंटू 0.25 प्लस 280 इंटू 0.3 विच इज इक्वल्स टू यहां पे 8 19.5 प्लस 36 57.5 84 इज इक्वल्स टू एक्शन 205। ओके अब आपके पास पांचों एक्शन है आप देख सकते हो इधर 200 215 222.5 220 और 205 तो अपने को कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है तो मैक्सिमम प्रॉफिट किधर कितना है 222.5 तो हम कौन सा एक्शन सिलेक्ट करेंगे एक्शन नंबर 3। देयरफॉर ई एम बी क्राइटेरियन एक्शन 3 एट 222.5 बात समझा क्या पक्का फटाफट इतना कंप्लीट करो फिर सेकंड हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन सेकंड देखते क्या दिया है। फॉर पास्ट 50 डेज द सेल्स फ्रॉम बेकरी हैव बीन एज फॉलो 50 दिन से उनके बेकरी में कितना सेल्स हो रहा है कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दिया है। डेली सेल्स हो रहा है 80 100 120 कितने दिन में 15 दिन में 25 दिन में 10 दिन में ये दिया है। आप ध्यान से अगर देखोगे दोनों क्वेश्चन में तो एक बेसिक डिफरेंस दिखेगा क्या इधर भी वैसे सेल्स दिया था बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिया था यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं दिया है डेज दे दिया है और अपने को अगर ईएमवी क्राइटेरियन चाहिए तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज चाहिए तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन का होगा कि पॉसिबिलिटीज फाइंड इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे तो पहले लाइन पे दिया है कि जो भी डेटा दिया है वो कितने डेज के लिए दिया है तो 50 दिन टोटल है उसमें से इसको बेचने के लिए कितना दिन लग रहा है 15 तो हम इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी आएगा 15 दिन कितने में से 50 में से समझा गया वैसे यहां पे 25 दिन कितने में से 50 में से और इधर 10 दिन कितने में से 50 क्योंकि 50 मेरे लिए 100% है ना तो अगर 50 मेरे लिए 100% मार्क्स है तो उसमें मुझे 15 मिला है तो कितना परसेंट मतलब कितना प्रोबेबिलिटी अरे बात समझा तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लो तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा इधर 0.5 इधर 0.3 आएगा 0.5 आएगा 0.2 ना 0.2 ही आएगा ना 3 2 5 और 5 10 मतलब 1 हो गया ना अरे बात समझा मैंने पहले बताया टोटल 1 आने वाला है क्लियर है क्लियर है। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है सेम फंक्शन अप्लाई करना है डिमांड प्रोडक्शन वाला और टेबल क्रिएट करना। अब डिमांड में क्या आएगा 80 100 120 प्रोडक्शन में 80 100 120 क्लियर है ठीक है चलो टेबल प्रिपेयर कर मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर भी 3 है एक्शन भी 3 ही आने वाला ये बाजू डिमांड ले लेता हूं और ये बाजू प्रोडक्शन ले लेता हूं बराबर है इधर स्टेट ऑफ नेचर 1 में आ जाएगा 80 स्टेट ऑफ नेचर 2 में 100 स्टेट ऑफ नेचर 3 में 120 एक्शन 1 80 एक्शन 2 100 एक्शन 3 120 बराबर है और प्रोबेबिलिटी तो अभी अभी आपने फाइंड किया है वो प्रोबेबिलिटी इधर लिख देता हूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.3 0.5 0.2 क्लियर चलो अब स्टार्ट करते डिमांड कितना
प्रोडक्शन कितना, दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस भी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, द बेकरी प्रोडक्शन कॉस्ट इज 8 रुपीज पर लॉफ एंड सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीज पर लॉफ। मतलब सेलिंग प्राइस 12 है और कॉस्ट प्राइस 8 है। तो यहाँ पे आएंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है इसका 12 और डिमांड कितना 80, इंटू कॉस्ट प्राइस 8 इंटू प्रोडक्शन भी 80। तो यहाँ पे 960 माइनस 640 इज इक्वल टू 320। अब क्योंकि ये इक्वल है, जब इक्वल होता है तो उसके बाद सब नंबर सेम आ जाते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। अब ये सेम ना, 100 और ये 80 है, तो डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन, तो फॉर्मूला ये आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 12, कॉस्ट प्राइस कितना है 8, तो 4 आएगा, 4 इंटू 80 करो, 4 8 32, 320 ही आने वाला है, बराबर है क्या, नहीं, तो ये भी 320। बात समझा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, 80 100, डिमांड कम प्रोडक्शन ज्यादा, डिमांड कम प्रोडक्शन ज्यादा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 12 इंटू डिमांड है 80 माइनस 8 इंटू प्रोडक्शन है 100, तो 960 माइनस 800 बोले तो 160। अरे ये समझा, पक्का समझा है? चलो ठीक है, अब इधर आ जाते, 100 सेम है तो वापस से सेम, तो 12 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 100, मतलब 1200 माइनस 800 बोले तो 400। आप देख रहे हो डायगोनल में 20 के बाद 400 है, मतलब 80 इंक्रीज हुआ है, अब इसके बाद 40 ही रहेगा, सॉरी 400 ही रहेगा, सेम, क्लियर हुआ। 320 में कितना कम हुआ है, 320 में कितना कम हुआ है, 160 है, मतलब बड़ा अमाउंट कम हुआ है ना, क्लियर है। तो कुछ मेरे हिसाब से इधर कम हुआ है 240, कैसे 240, 160 कम होएगा ना, 160 कम हुआ तो 320 ना, चलो ठीक है, इधर भी 160 कम होके आना चाहिए, चेक करते, इधर ध्यान दो, 80 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 120, 80 इंटू 12 कर दोगे आपको आ जाएगा 960, बराबर है, इधर भी आएगा 960, तो 0, 160 कम हुआ ना, बात समझा। अब डायगोनल में इधर 320 था, इधर 400 है, मतलब कितना बड़ा है 80, तो इधर भी 80 बढ़ेगा, मतलब ये 480 ये बाजू आना चाहिए, और इधर 160 कितना कम होने वाला है, 160 कम होने वाला है, सॉरी बड़ा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 160 कम होने वाला है, चेक करते, 100 और 120, तो 100 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 120, तो 12 मतलब 1200 और ये 960, तो इधर कम करो कितना आ रहा है, 40, 240, देखो 160 कम करके आया, 160 कम हुआ ना इसमें, समझा ये। अब इधर चेक करना है 480 राइट है नहीं, तो 120 और 120 सेम वाला वैल्यू है, तो 120 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12, 12 ये ना 120, चलो इधर मल्टीप्लाई करो 1440 शायद, और यहाँ पे आपको आएगा 960, माइनस करके देखो 480 आना चाहिए, समझ में आया। तो इस तरह से आपका टेबल बन गया है, टेबल रेडी हुआ। आप शॉर्ट ट्रिक करने की जरूरत नहीं, अगर फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला करो, दिमाग ज्यादा चलाओ मत, कभी हो सकता है गलती होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करके बनाओ, लॉजिक दिमाग में रखो कि भाई डायगोनल में वैल्यू ऐसे बढ़ता है, इधर कम होते रहता है, बराबर है, डायगोनल के नीचे से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा कम होने के लिए और ऊपर बढ़ते रहता है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब ये मिल गया, तो एक्शन 1 एक्शन 2 और एक्शन 3, तीन एक्शन अपने पास है। पहला है 320 इंटू 0.3 प्लस 320 इंटू 0.5 प्लस 320 इंटू 0.2, तो 320 तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 96 प्लस यहाँ पे आपको आ जाएगा 160 प्लस यहाँ पे 160 आएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा 64, बराबर है, इज इक्वल्स टू 320। सेम यहाँ पे आते 160 इंटू 0.3 प्लस 400 इंटू 0.5 प्लस 400 इंटू 0.3, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 48 प्लस यहाँ पे आपको आएगा 200 प्लस यहाँ पे आपको आएगा
120 आएगा, 368 हो जाएगा। यहां पे आते हैं एक्शन थ्री में, 0 × 0.3 प्लस 240 × 0.5 प्लस 480 × 0.2, तो ये हो जाएगा 0, इधर आपको आ जाएगा 120 प्लस 96, 216, 9 × 2 = 11, 216 हो जाएगा, बराबर है। आप अपने को कौन सा एक्शन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसमें, एक्शन टू में, तो यहां पे ई एम बी क्राइटेरियन के अंदर एक्शन टू एट 360, समझ में आया क्या? तो इस तरह से हमने ई एम बी का टेबल, बेटा बोलना यहां पे, यहां पे, हाँ यहाँ पे 0.2 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 80 होगा, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 200, 328 आ जाएगा, उसमें भी यही मैक्सिमम है, तब यही मैक्सिमम, तो एक्शन ये होगा 320, क्लियर, थैंक यू सो मच। तो आई होप इतना आपको समझ में आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Oh,